अब तक 95,000 करोड़ रुपया देश भर के किसानों को गया है, मगर बंगाल के किसानों को कुछ नहीं मिला है। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के किसान का गुनाह क्या है? क्यों क्यों उसको ये 6,000 रुपया नहीं मिलता है? क्यों बंगाल के गरीब को ये 5 लाख तक की सुविधा नहीं मिलती है? ऐसी ढेर सारी योजना है और हर महीने एक पत्र लिखती है कि ये पैसा हमें दे दो। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मगर इसके रूल्स बने हैं देश भर में। हमारे एक कार्यकर्ता ने कहा कि साहब ये क्यों मांग रही है, आपको मालूम है? मैं नहीं मांगता, मैं नहीं समझता क्यों मांग रही है। मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि सार्वजनिक जीवन की सुचिता ही नहीं रहती। ये पैसा कैडर की भेंट चढ़ जाएगा अगर उनके हाथ में गया तो। मगर मैं बंगाल के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, मई के बाद आपके अकाउंट में ये पैसा सीधा मोदी जी भेजने की व्यवस्था करेंगे और आपके अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि मई के बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मित्रों, योजनाओं के नाम बदलकर अपने नाम पर रखना और अपनी योजना कर प्रचारित करना, इससे बंगाल का भला नहीं होगा। समग्र स्थिति का विहंगावलोकन अगर करते हैं, उसका एक असेसमेंट लेते हैं, जायजा लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 200 सीटों। ये सभागार के अंदर बहुत सारे पत्रकार है, जब प्रेस क्लब के हॉल के अंदर मैंने 22 सीटें कही थी, आपके चेहरे की मैंने मुस्कान देखी थी, इस बार आप नहीं हंसते हो, इतना अच्छा है, क्योंकि 18 सीटें हम जीत चुके हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है, मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता का विश्वास है और मोदी जी को बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। जिस जनता ने लोकसभा में इतना अच्छा प्रतिसाद दिया है, वो जनता बंगाल के भले के लिए भी हमें जरूर एक मौका देगी, इसका मेरा भरोसा है। मैं फिर से बंगाल की जनता को करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दीजिए। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि इसके साथ देश की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है और देश का एक अति पिछड़ा गरीब जनता के भले का भी सवाल है। दोनों मुद्दों को लेकर हम बंगाल की जनता के बीच में भी जाएंगे और परिवर्तन तक इसको ले जाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। अब आप आपके सवाल पूछ सकते हो। स्वपन दा एक के बाद एक सबको कहेंगे। तो अपनारा बांगलाते जिज्ञेस करते।